गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू ओके. ओके, सो टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी कक्षा 4. आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 का. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोयम नंबर 5, धम्मक धम्मक आता हाथी. हाथी के बारे में है. पूरा हाथी जो है वो क्या क्या करता है, अपनी सूंड के साथ कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या खाता है, क्या करता है. ओके, तो पूरी पोयम जो है वो हाथी के बारे में है. तो चलो हम पढ़ते हैं कि पूरी पोयम में क्या दिया है हाथी के बारे में. टाइटल है धम्मक धम्मक आता हाथी. हाथी कैसे आता है? धम्मक धम्मक, यानी कि धम्मक धम्मक जो है वो उसके पैरों की आवाज़ बताई है. वो कैसे चलता है धम धम, कि उसकी उसके पैर जो है वो बहुत बड़े होते हैं और मोटे भी होते हैं ना, तो उसकी चलने की आवाज़ जो है वो कैसी होती है? धम धम. तो उसके ऊपर से लिखा गया है टाइटल, धम्मक धम्मक आता हाथी. तो प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है. ये कविता जो है वो प्रयाग शुक्ल ने रची है. ओके, चलो एक हाथी का पिक्चर दिया है आपको और यहाँ पे पोयम लिखी हुई है. चलो हम पढ़ते हैं मेरे साथ, आपको भी घर पे पढ़ना है. धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. फिर से मैं पढ़ती हूँ. धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. हाथी जो है वो कैसे आता है? धम्मक धम्मक, यानी कि अपने पैरों से चल के आता है. धम्मक धम्मक उसकी आवाज़ आती है. और हाथी जाता भी कैसे है? धम्मक धम्मक जाता है. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी. हाथी जो है वो सूंड क्या करता है? अपनी सूंड. सूंड किसे बोलेंगे? ये जो है उसकी, इसे क्या बोलेंगे? सूंड बोलेंगे. तो सूंड को क्या करता है हाथी? पहले उठाता है, फिर से अपनी सूंड को गिराता है. अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. हाथी क्या करता है? अपनी सूंड को हिलाता रहता है. आपने देखा होगा हाथी कभी कि वो अपनी सूंड के साथ खेलता रहता है. कभी उठाता है, कभी गिराता है, कभी हिलाता है और कभी तो घुमाता है. देखो यहाँ पे, देखो जहाँ हाथी जब पानी में होता है तो अपनी सूंड में पानी भर के ऐसे अपने ऊपर डालता है, तो सूंड घुमाता है ऐसे. धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. हाथी जो है वो कैसे आता है? धम्मक धम्मक आता है और जाता भी कैसे है? धम्मक धम्मक जाता है. तो ये जो सारे वर्ड्स है, उठाता, गिराता, हिलाता और घुमाता, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको अच्छे से समझ लेने हैं. इसके बाद है, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी. हाथी क्या करता है? जब भी पानी में जाता है तो अपनी सूंड को भर भर के क्या करता है? नहाता है. तो देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया है कि हाथी ऑलरेडी पानी में है तो पूरी सूंड भर के खुद पे ही डाल रहा है. तो सूंड भर भर के क्या कर लेता है? वो पूरा नहा लेता है. कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. हाथी जो है वो अपनी बॉडी के हिसाब से तो खाएगा ही, है ना. तो आपको पता है कि हाथी जो है उसकी बॉडी बहुत ही फैटी होती है और मोटी भी होती है, तो उसके हिसाब से उसकी खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है. इसलिए क्या बताया है कि कितने केले खाता है हाथी? को केले बहुत ज़्यादा पसंद है. देखो यहाँ पे केले आपको दिखाए हुए पिक्चर में, तो हाथी जो है वो केले कितने खाता है ये तो हमें बताता ही नहीं है, है ना, क्योंकि उसने कभी गिने ही नहीं होंगे, इतने ज़्यादा खाता है. धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. हाथी कैसे आता है? धम्मक धम्मक आता है और हाथी जाता भी कैसे है? धम्मक धम्मक जाता है. तो फिर से मैं पूरी पोयम आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ और आपको पूरी पोयम जो है वो घर पे वीडियो में देख देख के 3 times रीड करनी है और 2 times नोटबुक पे लिखनी भी है विथ गुड हैंड राइटिंग और चैप्टर का टाइटल लगा के. ओके, ताकि आपकी अच्छी से राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको बोलना भी है 3 times ताकि आपकी अच्छी से रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाए. ओके किड्स, मैं जो होमवर्क दे रही हूँ आप सबको कंपलसरी करना है ताकि आपकी जो किसी भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, EVS या मैथ्स, आप जो भी होमवर्क कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी घर पे बैठे बैठे आपको ये ऑनलाइन पढ़ना है. तो ये सारा वर्क आप खुद से करोगे तो आप जो है उस सब्जेक्ट में इतने पावरफुल हो जाओगे, है ना. चलो
तो मैं फिर से एक बार पोयम पढ़ती हूँ आपको, घर पे 3 टाइम पढ़नी है, 3 टाइम। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। धम्मक का मतलब है जोश या तेज, यानी कि हाथी जो है वो कितने जोश में आ रहा है या फिर कितने तेज में आ रहा है, तो उसका मतलब है धम्मक। पानी, पानी के बारे में तो पता ही है, उसे बोलेंगे जल, नीर या सलील। जल, नीर या सलील, ये समानार्थी शब्द भी बोले जा सकते हैं। हाथी, हाथी को दूसरे वर्ड में गज भी बोला जाता है, गज, उसका मतलब है हाथी। तो किड्स, आज के लिए होमवर्क में आपका रहेगा कि ये पोयम जो है वो आपको नोटबुक में कितने टाइम लिखनी है, 2 टाइम लिखना है, और बोलना कितने टाइम है वीडियो में देख देख के, 3 टाइम, और बोलने के साथ भी रीडिंग भी करते जाना है ताकि आपका रीडिंग जो है वो अच्छा हो जाए हिंदी में। ओके किड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये पोयम जो है वो घर पे पूरी गानी है और अच्छे से रीड करनी है। और हाँ, ये शब्दार्थ भी आपको पोयम के, पोयम हो जाए आपकी 2 टाइम, उसके बाद ये शब्दार्थ जो है वो भी आपको 2 टाइम नोटबुक में लिखने हैं विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे हम इसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।